सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टेक एवसी में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूट्यूब यूज करते हैं और यहाँ पे आपको यूट्यूब के अंदर यहाँ पे ये जो डाउनलोड बटन दिखती है, इसको आप क्या करते हैं, प्रेस करके डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं इसको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि जो कुछ आपको समझा वो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उस पर आपको लाइक के बटन दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स इस लाइक के बटन को प्रेस करके हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं फीचर जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिंपली से लिख देना है यूट्यूब सीक्रेट। तो फ्रेंड्स इतना लिख के आपको सेंड कर देना। उसके बाद चैनल के आइकॉन के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन में चले जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना तो यहाँ पे आपको हमारे स्टैम्प पेज की लिंक मिल जाएगी, जहाँ जाकर हम स्टैम्प पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे डाउनलोड कोई भी वीडियो डाउनलोड करना तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में प्रेस करके आप उसको इजीली से डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही व्यू करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, और इसको आप जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो इसको आप ऑफलाइन वहीं पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा नेट बंद है, सब कुछ बंद है, तो यहीं पे मैं इसको ऑफलाइन देख लेता हूँ। और फ्रेंड्स आप जब आपका काम खत्म हो जाता है इसको आप डिलीट करने के लिए यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे आप डिलीट कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से ये डिलीट नहीं होता है, और जिसके कारण से आप कई वीडियो यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और डिलीट कर देते हैं, जिसके कारण से आपके फोन की स्टोरेज भरने लगती है और आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, रुक रुक के चलने लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसको आपको क्लियरली डिलीट करने के लिए आपको अपने फाइल मैनेजर को चले जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले आप फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आप स्टोरेज के ऑप्शन में चले जाए, यहाँ पे आपको फोन स्टोरेज के ऑप्शन को प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एंड्रॉइड का। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एंड्रॉइड सर्च कर लेना, एंड्रॉइड के ऑप्शन में चले जाना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डाटा वाले ऑप्शन को प्रेस करना और यहाँ पे आपको नीचे सर्च कर लेना। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आपको नीचे क्या सर्च करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, यहाँ पे आपको ये com.google.youtube वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन चले जाना। फाइल्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑफलाइन का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए आपकी इतनी सारी फाइल्स यहाँ पे रह गई हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करके इसको डिलीट कर दीजिएगा, ताकि ये जो फाइल्स है आपकी डिलीट होती रहे और आपका मोबाइल के स्टोरेज ना बढ़े और आपका मोबाइल जो हैंग होने लगता है, लैग करने लगता है, इन्हीं सब प्रॉब्लम से करने लगता है, जिनके कारण से आपको छुटकारा मिल जाएगा। Thank you, friends.